अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। टुडे द डेट इज़ 17 अप्रैल 2020। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द डे इज़ फ्राइडे। एज यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अल्जेब्रिक फार्मूलाज, एक्सरसाइज नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। इसका पार्ट 2 है। इफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। आपने इन तीनों ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। एक्स आपके पास गिवन है, देन 1 ओवर एक्स जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा एक्स का। ये जो वैल्यू है एक्स की वो रिवर्स हो जाएगी, तो 1 ओवर एक्स आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की प्लस 1 ओवर एक्स। एज़ यू कैन सी डैट दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2। आप इसका एलसीएम लेंगे, आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2। ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इनके नॉमिनेटर्स में को आपने कैसे सॉल्व करना है कि जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इन दोनों में से जो फैक्टर मिसिंग होगा वो इसके नॉमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 मिसिंग था, वो नॉमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। एज यू कैन सी स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 पहले ही ऊपर मौजूद है एक, तो क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका होल स्केयर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 टाइम्स हैं। इसी तरह स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 मिसिंग था, वो नॉमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो होल स्केयर की फॉर्म आ जाएगी स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2। अब आप इनके फार्मूलाज ओपन करेंगे, स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 का होल स्केयर, इधर आप फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी होल स्केयर का प्लस स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 का होल स्केयर में इधर आप ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे। ए जो है यहाँ पे स्केयर रूट 5 है और बी जो है वो यहाँ पे स्केयर रूट 2 है। स्केयर रूट 5 का स्केयर माइनस 2 इंटू स्केयर रूट 5 इंटू स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 2 का स्केयर, स्केयर रूट 5 का स्केयर प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 5 इंटू स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 2 का स्केयर। अब इनके स्केयर्स आप ओपन करेंगे, स्केयर रूट 5 का स्केयर जो होगा वो 5 आएगा, 2 5 ज़ा 10, ये एक ही थर्ड में हो जाएंगे, विद इन द थर्ड जो है ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 स्केयर रूट 10 आ जाएगा, स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 आ जाएगा। इस तरह ये भी और यहाँ पे 2, ये भी ऐसे ही होगा 2 इंटू स्केयर रूट 10। अब सिमिलर टर्म्स विद ऑपोजिट साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो आपके पास बचेंगे उनको आप ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 14 ओवर 3 एक्स प्लस 1 ओवर। अब इस क्वेश्चन में आपने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो आपके पास 14 ओवर 3 आया था, आपको चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। आप दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे, जब आप दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर, जो कि इक्वल होता है स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। आपने इसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को खोला, एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर। एक्स और 1 ओवर एक्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में कट गया, एक्स और 1 ओवर एक्स एक्स से कट गया, 2 वन ज़ा 2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 196 ओवर 9। 14 ओवर 3 का आपने स्क्वेयर लिया, 14 का स्क्वेयर 196 आ गया और 3 का 9। अब 2 यहाँ पे प्लस और उधर जाके माइनस हो गया। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका 9 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद जो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी वो आएगी 178 ओवर 9। इसी तरह अब आपने जो तीसरी चीज़ में फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में वो है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो कि इक्वल है 14 ओवर 3 के, अब दोनों तरफ क्यूब लेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 14 ओवर 3 होल क्यूब। अब ए प्लस यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इस फार्मूले में ए यहाँ पे एक्स है और बी यहाँ पर 1 ओवर एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब। 14 ओवर 3 का क्यूब लिया तो 2744 ओवर 27 आ गया आपके पास। एक्स और एक्स 1 ओवर एक्स की कटिंग होगी बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब आपके पास बचा 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इधर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी जो कि थी आपके पास 14 ओवर 3। 3 3 से कैंसिल हो गया, 14 रह गया, एक्स क्यूब
वन ओवर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के पास ले जाएं, 14 जो है इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस होगा। आपने इनको जब सॉल्व किया तो आपके पास जो एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई वो आ गई 2366 ओवर 20। नाउ वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमिन द रेशनल नंबर्स ए एंड बी इफ स्केयर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्केयर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्केयर रूट 3। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, आपने इसमें जो टू रेशनल नंबर्स हैं जो कि अननोन है ए और बी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएँ, ये आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे। एज यू कैन सी दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, स्केयर रूट 3 प्लस 1 और इसका है स्केयर रूट 3 माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे, स्केयर रूट 3 प्लस 1 एंड स्केयर रूट 3 माइनस 1। इसका नॉमिनेटर जब सॉल्व होगा तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर में मिसिंग होगा एलसीएम के दो फैक्टर्स में से वो उसके नॉमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा। इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मिसिंग है, वो नॉमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई हुआ। एज यू कैन सी दैट इधर एक जैसे दो फैक्टर्स हैं तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये टू टाइम्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसी तरह इसकी जो सेकंड फ्रैक्शन है वो देखें, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इसी डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 जो है वो इसमें मिसिंग है, वो नॉमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह के टर्म्स पहले ही मौजूद है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक दफा प्लस में लिखा है एक दफा माइनस में लिखा है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ साथ चलेगी। अब इधर ए माइनस बी और इधर ए प्लस बी का फार्मूला आप ओपन करें, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 1 टू स्क्वायर रूट 3 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2ab वाली टर्म है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और बी यहाँ पे 1 है। अब स्क्वायर रूट 3, अब इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, ए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और बी यहाँ पे 1 है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। अब 2 स्क्वायर रूट 3 1 से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यही आ जाएगा, और बाकी सबके आप स्क्वायर खोल लें तो आपके पास आ जाएंगे ये आपके पास स्क्वायर खोलने के बाद ये सब आ गए। अब सिमिलर टर्म्स विद ऑपोजिट साइन जो है आप कैंसिल कर देंगे, वो कैंसिल करने के बाद आपके पास 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 इनको ऐड करें तो 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। अब अगर आप इनको इक्वेट करें तो ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और जो बी है बी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे बी स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म कोई नहीं है, वो यहाँ पे 0 है, तो इसको 0 के इक्वल कर दें, स्क्वायर रूट 3 इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, बी आपके पास आ गया 0, ए की वैल्यू 4 आ गई और बी इक्वल टू 0।